Welcome to my class. In the last class, I was discussing the CBSE sample question paper 2021, in which we did the case studies. And in this, I'm going to talk about normally the assertion and reasoning. So, कुछ questions मैंने लिए हैं assertion और reasoning के लिए. और आपने देखना है, हर एक assertion और reason में इस ये चार तरह के आपके पास ऑप्शंस होंगे. जैसे आपने देखा बोथ ऑल्टरनेटिव्स, दैट इज बोथ, जैसे एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. तो ए ऑप्शन है. बी में बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. और सी में है कि एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. एंड द लास्ट इज that assertion is false but reason is true. बस तो बेसिकली यू नो वॉट यू हैव टू जस्ट नो कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं. कौन स्टेटमेंट को आपने पहले देखना है कि ट्रू एंड फॉल्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपने फिर आंसर करना है. उसकी रीजनिंग देखनी है कि ये एजर्ट कर रहा है, ये बता रहा है. एजर्शन मीन्स हमने कहा और इसके साथ रीजन ये बिल्कुल सही है. इसका जो रीजन है वो सही है कि नहीं है, ऑल ऑफ दैट वी हैव टू सी. तो पहला वाला लेट्स रीड दिस. अच्छा, बिफोर वी गो ऑन मैं एक बार और बता दूं कि जो आपका ये पेपर आएगा टर्म वन का एग्जामिनेशन 2021, उसमें आपके होंगे मैक्सिमम 40 मार्क्स का और टाइम 90 मिनट्स का लिमिट है. और टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. और ये पेपर इज़ डिवाइड इनटू थ्री सेक्शन. सेक्शन ए में कंटेन्स 24 क्वेश्चंस, जिसमें आपने 20 क्वेश्चंस करने हैं. सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने 20 क्वेश्चंस करने हैं. और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने 10 क्वेश्चंस करने हैं. इस और बेसिकली जब हम केस स्टडीज़ कर रहे थे, एक केस स्टडी ज़रूर आएगी आपके सेक्शन सी में. और देखा गया कि ऑल क्वेश्चंस, उन्होंने कहा ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क और वैसे भी होगा एंड देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. तो ये आपने देखना है. तो जो आपके 60 क्वेश्चंस है ना, तो मैक्सिमम मार्क्स उसको उन्होंने उसको रिड्यूस करके 40 मार्क्स कर देना है. सो यू डोंट स्टार्ट काउंटिंग एंड ऑल, यू शुड नो व्हाट इट इज़. तो एजर्शन और रीजनिंग का पहला जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप स्क्रीन शॉट बेशक ले लो कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर, एजर्शन और रीजन. एजर्शन में इन्होंने दिया एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बाय अ फॉरेन कंपनी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब कोई भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी एक फॉरेन कंपनी ले लेती है तो क्या होगा, आपको पैसे आएंगे. सो इसलिए जो क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या दिखाता है, इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये आपके क्रेडिट साइड पे है. और सेकंड जो रीजनिंग बताया ना, इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो ये तो रीज़न गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं सही है. तो आपको समझ में आ गया ए में है कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. बोथ सेकेंड है, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. लेकिन इसमें है कि सी में देखो एजर्शन तो ट्रू है, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. रीजन तो है बिल्कुल ही अनरीजनेबल है, इट्स फॉल्स. सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज जो क्वेश्चन 27 करके लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ एजर्शन और रीजनिंग वाले लिए हैं. इसलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्शन एंड रीजन. एजर्शन में है मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. जितने भी मेजर पॉलिसी जो न्यू इकोनॉमिक न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाई थी और जो भी हुआ था, जो उसके पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे, जो लैंड रिफॉर्म्स थी या ग्रीन रेवोल्यूशन था, दैट हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. बिल्कुल ट्रू है ना भाई. रीजन देखो, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, तो ये भी देखा जाए तो जो रीज़न है
कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी ट्रू लग रहा है. तो आपने देखना है कि क्या है ऑल्टरनेटिव. देखो ए में है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो दोनों ट्रू हैं लेकिन ये जो रीजन है वो भी ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो ऐसा नहीं लग रहा. सेकेंड है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. तो ये सेकेंड वाला जो है बी वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर कि दोनों तो हैं तो ट्रू लेकिन जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑफ एजर्शन. ठीक है. सो नाउ लेट्स जस्ट टेक क्वेश्चन नंबर 20 जो 9 लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एजर्शन एंड रीजन दिया हुआ है. एजर्शन में ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड, दैट मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. बिल्कुल सही है ना भाई. रीजन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ. अगर आप एजुकेशन और हेल्थ में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगी. ये तो गलत है कि नहीं भाई. तो आपने ये इसी को आंसर करना है, आपने देखना है. कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बिल्कुल सही कि सी ले लो, सी ले लें आप कि एजर्शन ए तो ट्रू है और जो रीज़न है ना रीज़न इज़ फॉल्स. आई एम श्योर यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट नाउ. यस और नो. सो देन वी हैव व्हाट इज़ दिस के फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है भाई. एजर्शन में दिया हुआ है द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वॉज फुल्ली सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. मतलब जो गोल था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो सही हो गया था, पूरी तरह से हो गया था. जैसे बाय हाउ, बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. बिल्कुल सही तो नहीं लग रहा. ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ था. रीजन बताया कि बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन. ये जो रीजन, जो वैसे जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है ये सही है. तो आपके सारे ऑप्शंस में आप देखोगे जो डी है ना, assertion A is false, assertion जो है वो false है, but the reason जो है, reason given is true. कि the second statement reason का that is true. The next one as we see is that trade of invisible items between two nations is a part of capital account of balance of payment. तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर आना चाहिए. और रीजन इज ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट द एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. सो देन लेट्स टेक द assertion कि ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स between two nations is a part of capital account of balance of payment. Do you think so? Visible and non-visible items, jo invisible items, both current and capital account aise hota hai. So is a part of capital account, it's a false statement. Then you have that comes in the current account, visible and invisible items, right? That comes in current account, not in capital account. क्योंकि capital account में आपके investment from abroad, investments आते हैं, borrowings आती हैं, foreign exchange reserves आते हैं, और आपके current account में merchandise, that is export and import of goods, invisible services में आ जाता है ना, and all of that. तो ये तो गलत हो गया, सही है. फिर next है transactions that affect the asset liability status of a country in relation to the rest of the world are known as capital account transactions. ये तो बिल्कुल सही लग रहा है. This happens to be true.
सो वी कैन ऑलवेज से के एजर्शन डी ले लेते हैं. एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें है एजर्शन रीजन वाला कि सिंस ये जो है दिस इज फ्रॉम द रूरल डेवलपमेंट. रूरल बैंक्स भी आ जाएंगे, प्रोडक्शन भी आ जाएगी, ऑल ऑफ इट, रूरल क्रेडिट और एंड रूरल एंड अलाइड एक्टिविटीज. सो दैट शुड कम इन टू योर माइंड एज यू रीडिंग द एजर्शन. सिंस द डिफॉल्ट ऑफ रेट्स ऑफ फार्म लोन्स हैव बिकम क्रॉनिकली हाई ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स, द रूरल बैंक्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कैश क्रंच. ओके, सही लग रहा है ना. रीजन देखते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी अ लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज वेस्टेड. इफ यू सी बाय इटसेल्फ, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है. तो हम आराम से कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. एजर्शन भी करेक्ट है एंड जो है जो सेकेंड स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है. ठीक है, लेकिन आर रीजन इज नॉट द ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. बट ऐसा नहीं है कि जो वो जो आप रीजन दे रहे हो दैट इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. नो, इट इज़ नॉट गिविंग अ, इट्स नॉट अ रीजन फॉर द एजर्शन. तो कौन सा आ जाएगा आपका? बिल्कुल सही, बी. बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ठीक है, सो देन लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें है assertion, since independence the economic condition of many farmers across India has improved as they have adopted horticulture as a secondary source of income. Horticulture is what? Growing of say fruits and vegetables and fruits etc, herbs jo bhi hai. So that is horticulture. To isse bilkul sahi lag raha hai, है ना. सो ट्रू हो गया. रीजन देखो, वेरिंग क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. ये भी सही है, ये भी सही लगता है. तो ऑल्टरनेटिव्स देखो भाई, बिल्कुल सही है कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. वी कैन पुट इट टू दैट कि दोनों सही है एंड रीजन इट्स प्रिटी रीजनेबल. द एजर्शन के लिए जो रीजन दिया हो दैट लुक्स टू बी प्रिटी रीजनेबल. ओके, सो दैट इज हाउ वी विल गो. नेक्स्ट जो है वो है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस. ओके, रीज़न तो आई मीन एजर्शन तो सही लग रहा है कि भाई कहते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स जो है जो हम रखते हैं बैंक्स में, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस. कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए ठीक रहता है. रीज़न इज डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विदड्रॉबल इन नेचर, विदड्रॉएबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी विदड्रॉन अगेंस्ट इशू ऑफ चेक्स एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट. ये तो बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो फिर आप इसका ऑप्शन क्या होगा? एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एजर्शन एंड रीजनिंग हो गया. इफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन द करंट अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर, इट डिपिक्ट्स अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस. हो सकता है कभी? बताना जरा. बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये तो आपका बैलेंस ऑन करंट अकाउंट हो जाएगा, है ना. बिकॉज बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या दिखाता है कि दोनों, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट्स एंड द सम ऑफ डेबिट्स ऑन द करंट अकाउंट आर इक्वल, है ना भाई. तो इसको हम बैलेंस कहेंगे, नॉट अ सरप्लस. तो ये तो पहला तो आपका एजर्शन ही फॉल्स है. रीजन देखते हैं, अ सरप्लस करंट अकाउंट मीन्स दैट अ नेशन इज अ लेंडर टू अदर कंट्रीज. ये भी सही है. And a deficit current account means that the nation is a borrower from other countries. ये भी सही है. तो मतलब जो reason है ना वो सही है. So which is the alternative that you will choose? You will choose the D alternative, which means assertion A is false, but the reason that is R is true. ठीक है, the next one
एंड द नेक्स्ट वन, ये जो वाला ये आप देख रहे हो द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने जब हमने लास्ट क्लास में व्हेन आई वाज डूइंग द केस स्टडी वहीं से लिया गया, वो हम लोग ने किया. यू शुड गो एंड वॉच दैट एंड सी ओवर दैट. सो विद दिस वीव जस्ट सीन हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज. So, students, this is what we have to do. We've seen that these assertion and reasoning questions are nothing but true hai, nahi hai, false hai, do they complement each other? Jo reasoning hai, wo assertion ke saath milta hai ki nahi, bas yehi aapko dekhna hai. It is really interesting, and the more you practice, jitna aap sochoge, jaise aap karoge, bahut sare प्रैक्टिस पेपर्स आ गए हैं आजकल तो मार्केट में. आपने इसको करना है और सॉल्व करना है, और साथ साथ ये याद रखना है कि आपने चैप्टर जरूर पढ़ना है साथ में. जस्ट डोंट, मतलब जैसे ही आप अटक रहे हो ये रीज़न है और ये इसका रीज़न नहीं है, या यह फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्यों ट्रू है, वाई इज़ इट सो, वाई डज अ रीज़न नॉट गो विद दैट, क्यों फॉल्स है, ये सब करने के लिए आपको चैप्टर बहुत ज़रूरी है पढ़ना. तो जब भी आप प्रैक्टिस करो, मेक श्योर दैट यू यू हैव योर टेक्स्ट बुक विथ यू. आपने उसको पढ़ना है साथ साथ, देखना है, एंड ओनली देन विल यू एंजॉय डूइंग दीज एजर्शन और रीजनिंग क्वेश्चंस. और इसमें काफ़ी मार्क्स हैं, एंड यू आर वेरी लकी कि अभी इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं की है. सो यू कैन वेंचर अ गेस एंड डू इट, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलनी है और उसको पढ़ना है. जैसे चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ो, जहाँ अटक रहे हो देखो. अगर फॉरेन एक्सचेंज का है वो देखो, या गवर्नमेंट बजट का है तो वो देखो, वॉट एवर इट इज. और इंडियन इकोनॉमी का जो भी है, जैसे वी वर डूइंग द रूरल क्रेडिट, वो देखो, पढ़ो उसको एक बार, गो थ्रू इट. ऑलराइट, सो हैप्पी सॉल्विंग.